मेरा नाम ध्रुव सरोवा है और हम गुजरात 32वीं नेशनल ITF की खेलने गए हुए थे। वहाँ हमारा बहुत ही जोरदार प्रदर्शन रहा। हमने वहाँ 6 गोल्ड, 12 सिल्वर तथा 10 ब्रॉन्ज के साथ तीसरा स्थान पाया है और टैग टीम में भी हमारा 3rd स्थान मिला है। तो यह देख हमारा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और आगे हमारा नेपाल में हमारी चैंपियनशिप है साउथ एशियन गेम्स, वहाँ भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यही कामना करते हैं। अच्छा, किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं? हमें सुविधाएं काफ़ी अच्छी मिली हैं, हम चाहते हैं थोड़ी और हमें मिले, बच्चों का हौसला बढ़े ताकि वो वहाँ भी जाके कुछ अच्छा कर पाए। हमारी टीम के वहाँ 44 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 6 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल आए हुए हैं। और हमारी वहाँ ग्रुप टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था, ग्रुप टीम ने भी वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हमारी टीम अब नेशनल कैंप के लिए जाएगी फरवरी के एंड में और अप्रैल में साउथ एशियन चैंपियनशिप खेलने नेपाल जाएगी। अगर वहाँ पे हमारी टीम का इतना ही जबरदस्त प्रदर्शन रहता है तो हमारी टीम उसके बाद स्विट्जरलैंड दुबई इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और हमारी टीम इसके लिए जोरदार मेहनत कर रही है और कंटिन्यू मेहनत करती रहेगी और आगे भी हमें यही उम्मीद करेंगे कि यही प्रदर्शन हमारा बरकरार रहेगा। और सोनीपत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने मेडल एक बार एकदम इकट्ठे मेडल आए हैं और आगे भी ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेयर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और ऐसे मेडल जीतते रहेंगे। अच्छा, ये है और हम सब गुजरात के लिए खेलने के लिए गए थे नेशनल के लिए और हमने वहाँ पर हमारे टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और हमारी टीम के 10 सिल्वर आए हैं और 6 गोल्ड आए हैं। ब्रॉन्ज कितने आए हैं? 12 ब्रॉन्ज आए हैं और हमारे पास है। अच्छा, हमारी टीम के टोटल 50 स्टूडेंट्स गए थे गुजरात में और वहाँ पे जाकर हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारी टीम के 6 गोल्ड और 12 सभी बच्चों के मेडल आ चुके हैं और आगे जाके हमें आगे जाके हमें और भी अच्छी प्रदर्शन करना और हमें ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने सोनीपत का नाम और रोशन करेंगे। ऊपर खा के दिखाओ मेडल ऊपर कर ले ऐसे। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे ही रहो। इसका प्रोटोकॉल ये लोग तोड़ेगा, आगे निकल मत है इसको।